नमस्कार, मैं कबीर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल का कायना में। मोदी सरकार का 5 साल का पंचनामा के अंतर्गत आज हम बात करेंगे इरफान इंजीनियर से, सांप्रदायिकता की स्थिति कैसे रही, हिंदू मुस्लिम का कितना नफरत फैलाई गई या उसे थामा गया, कितने दंगे हुए, दंगों के क्या कारण थे, सरकार ने क्या भूमिका निभाई सांप्रदायिकता को रोकने के लिए, नफरत को रोकने के लिए और लोगों में प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, इन सब के बारे में हमने बात की है। सांप्रदायिकता के इशू पर और हिंदू मुस्लिम के एकता के इशू पर काम करने वाले इरफान इंजीनियर से, तो चलिए सुनते हैं इरफान इंजीनियर का क्या कहना है। सबसे पहले तो भाजपा का वादा था कि वो दंगा मुक्त सरकार देंगे और हमेशा वो कहते थे कि कांग्रेस के शासन में दंगा होता है, अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो दंगा नहीं होगा। ये कुछ अंश में ठीक भी है और कुछ अंश में गलत भी है। भाजपा सरकार जब चुनकर आई तो उसका एक वायदा था कि वो दंगा मुक्त सरकार देंगे और हमेशा भाजपा ये कहती थी कि दंगे कांग्रेस के शासन में होते हैं, कांग्रेस की वजह से होते हैं और अगर भाजपा सरकार आएगी तो दंगे नहीं होंगे। ये वादा झूठा था और सही साबित नहीं हुआ। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आंकड़े देखते हैं तो 2014 में 561 दंगे हुए, जो 2013 और उन दंगों से उन सालों से ज़्यादा थे। 2015 में बढ़कर एकदम 751 दंगे हो गए पूरे भारत में। 2016 में थोड़े कम हुए, 703 हुए। 2017 में 822 हुए। दूसरी अभी 2018 का आंकड़ा नहीं है। अगर हम ये देखें कि सरकार ने एक डेटा पर बंदी कर दी है, पहले सरकार हर साल कितने दंगे होते हैं उस और कितने लोग मरते हैं, कितने ज़ख्मी होते हैं, इसके आंकड़े देती थी, लेकिन ये आंकड़े देना भाजपा सरकार ने बंद कर दिया। जैसे बेरोज़गारी का डेटा बंद कर दिया और डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं किसी तरह से और सब पर रोक लगा रखा है, वैसे ही दंगों के आंकड़े सरकार ने देना बंद कर दिए। इसके अलावा हमको ये देखना होगा कि अब दंगों के पैटर्न में थोड़ा बदलाव आया है। पहले कुछ नियमित काल के बाद बड़े दंगे होते थे, जैसे 2002 का गुजरात का दंगा हुआ, 92-93 का बम्बई, अहमदाबाद, सूरत और अलग अलग जगह पर दंगे हुए। उसके पहले 1984 के सिख दंगे थे। तो ये सब हमको बड़े बड़े दंगे दिखाई देते हैं, या 1989 का जो भागलपुर का दंगा था, मीरठ, मलियाना, मुरादाबाद, यहाँ जो दंगे होते थे बड़े दंगे होते थे जिसमें 10 से ज़्यादा लोग मरते थे एक ही दंगे में। अब जब वो सत्ता में आ गए हैं तो ये हिंदू मुस्लिम दूरियाँ पैदा करने के लिए, हिंदू मुस्लिम ये पहचान की राजनीति करने के लिए और भी तरीके हैं और अब बड़े दंगों की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि इन 5 सालों में छोटे छोटे दंगे बहुत होते हैं जिसमें कुछ लोग ज़ख्मी होते हैं या एक दो जन मारे जाते हैं, ऐसे दंगे बहुत होते हैं। 2018 में जो दंगे हुए कुल मिलाकर उसमें 37 लोग, हमारे ये सरकारी आंकड़ा नहीं है, जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होता है उनको जोड़कर, उन आंकड़ों को अगर हम जोड़ें तो 37 लोग मारे गए इन दंगों में, लेकिन सरकारी आंकड़ा इससे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि न्यूज़पेपर में कम रिपोर्ट होते हैं और जो सरकारी आंकड़ा होता है वो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा होता है। दूसरी बात है, मोदी सरकार आने के पहले ज़्यादातर दंगे शहरों में होते थे, हम अब देखते हैं कि दंगे गाँव में भी फैल रहे हैं क्योंकि नए नए मुद्दे लेकर दंगे करवाए जा रहे हैं, या जिसको हम मॉब लिंचिंग कहते हैं, अब ये तरीका अपनाया जा रहा है। तो मॉब लिंचिंग के द्वारा गाँव में भी दंगे करवाए जा रहे हैं,
धार्मिक पहचान बढ़ाई जा रही है। उदाहरण के तौर पर गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है पूरे देश में। हम देखते हैं कि दंगे पहले साउथ में दंगे नहीं ज़्यादा होते थे, इक्का दुक्का कभी हुआ तो, लेकिन हम देखते हैं कि मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट साउथ में भी ज़्यादा हुए हैं और गांव में भी ज़्यादा हुए हैं। दूसरा हमें देखने मिलता है कि नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है। आए दिन ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ को, जिसमें मुसलमान और ईसाई दोनों शामिल है, इनको नफरत का टारगेट बनाया जा रहा है। पहले जिसको हम फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, वो नफरत फैलाने की बात करते थे, ओपनली ये कहते थे मुसलमानों को या इस्लाम के खिलाफ, ईसाई के खिलाफ भाषण देते थे, और वो भाषण देने वाले छोटे मोटे नेता होते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये नफरत फैलाने वाले भाजपा के लीडर और जो सरकार में मंत्री है, वो लोग ये काम कर रहे हैं, और पाँचों साल ये काम हुआ है और उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। मैं अगर दो चार उदाहरण दूं कि किस किस मंत्री ने क्या क्या कहा इन पाँच सालों में। दिल्ली में जब असेंबली के चुनाव का कैंपेन चल रहा था, तो भाजपा के केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, उसने लोगों से ये कहा कि या तो आप रामजादे हैं, अगर आप भगवान राम को मानते हैं तो आप रामजादे हैं, और अगर आप रामजादे नहीं हैं तो आप हरामजादे हैं। ये तो सीधी सीधी जो मुसलमान और ईसाइयों को गाली देने के बराबर हुआ। उसकी निंदा प्रेस में की गई सभी लोगों से, लेकिन भाजपा ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उसको मंत्री पद से भी नहीं निकाला और न ही उसको माफ़ीनामा देने के लिए कहा गया। मनेका गांधी जो केंद्र में मंत्री है, वो भी एक अपने एक स्टेटमेंट में वो कह गई कि गाय के काटने से जो मुनाफा होता है स्लॉटर हाउसेस का, वो आतंकवाद फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है, उस मुनाफे का। अब इसको लेकर मुसलमान के खिलाफ ये बढ़ाना था, नफरत फैलाना था। अगर केंद्र में केंद्र की मंत्री ये कह रही है कि आतंकवाद गाय स्लॉटर हाउसेस के मुनाफे से फंड हो रहा है, तो सरकार ने क्या किया उसको रोकने के लिए? कोई जांच की क्या, और जांच से कोई बात बाहर आई क्या? ऐसी कोई जांच नहीं हुई, और ये सत्य भी नहीं था, इसीलिए जांच नहीं हुई। लेकिन इस वजह से जो मुसलमानों के खिलाफ भावनाएं भड़की, वो अपना काम कर गई, और हम देखते हैं कि गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग काफ़ी जगह पर फैली है। दूसरा अगर एक और हम उदाहरण लें, तो साक्षी महाराज भड़कीले भाषण देते हैं, जो भाजपा के नेता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो ये नेता देते हैं कि सारे मदरसों की जांच होनी चाहिए, वहाँ आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, और मदरसों में सिर्फ आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, सारे मदरसों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ दंगा भड़काने की बात है, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। क्योंकि इसकी भी अगर आतंकवाद की ट्रेनिंग मदरसों में दी जाती है, तो सरकार क्या कर रही है? दूसरी बातें बार बार फैलाई जाती है, साक्षी महाराज ने बात की है, साध्वी रितम भरा भी ये बात करती है कि मुसलमानों का परिवार बहुत बड़ा है, वो चार शादियां करते हैं, पांच बाबा होते हैं और उनके 25 बच्चे होते हैं, हम पांच हमारे 25, और फिर वो हिंदुओं से कहते हैं कि आप भी चार चार औलाद पैदा करो, क्योंकि वरना मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाएगी और हिंदू अल्पसंख्या में आ जाएगा। ये बात मोहन भागवत जी ने भी की, आज जो आरएसएस के सरसंचालक है, कि हिंदू औरतों को चार चार बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, हिंदुओं की संख्या बढ़नी चाहिए। गिरिराज सिंह जब
मंत्री नहीं थे तब बिहार के चुनाव में उन्होंने कहा कि अगर जो भी मोदी को वोट नहीं करेगा उसे पाकिस्तान जाना चाहिए, यानी कि भारत में हम मोदी के अलावा किसी और को वोट कर ही नहीं सकते, और अगर करते हैं तो हम मुसलमान हैं और सिर्फ मुसलमान मोदी को वोट नहीं करेंगे और फिर वो इस देश में रहने के हकदार नहीं है। ये कितनी बड़ी गलत बात उन्होंने की और वो चुनाव में भाजपा हार गए। तो क्या भाजपा को हराने वाले सभी मुसलमान थे या सभी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए? और आगे बढ़ के और एक मैं उदाहरण दूँ, और ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, और एक उदाहरण अगर मैं दूँ तो अमित शाह ने बिहार के चुनाव के वक्त ये कहा कि अगर भाजपा इस चुनाव में हारी तो पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे। वो दरअसल ये बताना चाहते थे, वही संदेश गहरा करना चाहते थे कि भाजपा सभी हिंदुओं की पार्टी है, अप्रत्यक्ष रूप से ये कन्वे कर रहे थे, और सभी हिंदू भाजपा के साथ है, और भाजपा हार गई तो मुसलमान खुश होंगे, और मुसलमान खुश होंगे तो पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे। साथ साथ में ये भी कह रहे थे कि मुसलमान हिंदुस्तान के प्रति वफादार नहीं है लेकिन पाकिस्तान के प्रति वफादार है। तो ये जो नफरत की बात बार 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 फैलाई जा रही है, गाय काटने के मुद्दों को लेकर बहुत सारे मॉब लिंचिंग हुई, गोवा में एक साध्वी ने कहा, हिंदू जागरण मंच के एक कन्वेंशन के दौरान, कि जो भी बीफ खाता है उसको पब्लिकली फांसी देनी चाहिए, झाड़ पर टंगा देना चाहिए और फांसी देकर पब्लिकली फांसी देनी चाहिए। जब पत्रकार अब ये तो हेट स्पीच हुई, नफरत की बात हुई, और ये इंडियन पिनल कोड के अनुसार गुनाह है 153A के कलम के अनुसार। जब पत्रकार मनोहर पर्रिकर गोवा के चीफ मिनिस्टर के पास गए और कहा कि भाई आप क्या एक्शन लेंगे उस साध्वी के खिलाफ, तो उन्होंने कहा पर्रिकर ने कि ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरंकुश है? गुनाह करने के लिए कह सकते हैं, और अगर गुनाह कर रहे हैं ये लोग इस तरीके की बात करके, तो ये दंगे फैला रहे हैं। और सरकार का दायित्व है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले। और एक हेट स्पीच मुझे याद आती है, और वो भरत राउत जो शिवसेना के नेता है, उन्होंने एक बार कहा कि मुसलमानों का वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए ताकि देश में शांति हो। जैसे कि अशांति सिर्फ मुसलमानों की वजह से हो रही है, और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि उनको वोट देने का अधिकार है, ये डायरेक्ट गुनाह है। पिनल कोड की कलम 153B के अनुसार अगर कोई ये कहता है कि किसी भी एक समुदाय का वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए या उसको वो भारत से वफादार नहीं है, ऐसी बात कहता है या ऐसा प्रचार करता है, वो गुनाह करता है और उसको 3 साल तक का दंड हो सकता है, कैद मुशक्कत। लेकिन भरत राउत को भी कुछ भी नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि सरकार जब ईसाई और मुसलमान धर्म के खिलाफ और समुदायों के खिलाफ नफरत फैलाया जाता है और उनको टारगेट किया जाता है, तो सरकार अपना दायित्व नहीं निभाती है, नफरत फैलाने वाले पर कोई एक्शन नहीं लेती है, और इससे जो दंगा करने के लिए प्रेरित होते हैं वो अपना काम कर जाते हैं, और इसी वजह से दंगे बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर वो हिंदू मुस्लिम पहचान को गहराने का काम अन्य तरीक़ों से कर रहे हैं, जैसे लव जिहाद की बात करके कर रहे हैं, घर वापसी की बात करके कर रहे हैं, तो नफरत का फैलाने का काम चालू है। जनता का इना चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी दबाएं, जिससे हमारी हर एक वीडियो के बारे में आप लोगों को